हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। बोला नमा पार्वती पते हारा हारा महादेव। महादेव, महादेव, महादेव। गुरुजी, रवि किशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दिल्ली नहीं है। नहीं भाई, ये बंबई है और यहाँ पे फिल्में चलती हैं। ये वो पार्लियामेंट नहीं है। आप शायद गलत जगह। नहीं नहीं, यहाँ पे हमको ये फूल माला दिखती है, वहाँ हम खुद स्वयं पधारते हैं, खुद वहाँ प्रकट होते नहीं, हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तो गलत जगह आए, ऊपर से आप मेरा शो हाईजैक कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे को माइक काफी देर के बाद मिला है। अरे नहीं, तुम्हारा शो क्या, सब शादी का माहौल है, पंडित यहाँ पधारा। नहीं नहीं नहीं, तो वही वही वो मैं करने आया हूँ। मैं यहाँ पे, तुम कौन हो? मैं होस्ट हूँ और मैं यहाँ पे शादी पूरी कराऊंगा लोगों की। अच्छा, तुम? मैं कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा। अच्छा, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड। तुम शादी कराओगे? अच्छा, कहाँ दूल्हा तुम्हारा, दुल्हन कहाँ? भाई ऐसी क्या बात हो गई, बुलाते हैं दूल्हे को, जरा दूल्हे। और आप जानते हैं, अगर आपकी बेटी की शादी एक नेता के साथ हो जाए तो बहुत खुश रहेगी। क्या बात है भाई, क्या फोड़ दलील। अब तुम्हारी क्या बात है, जरा तुम भी बता दो। रवि सर, हम हैं मीडिया के दामाद, है ना? क्या बात है। और आपको पता है कि मीडिया बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, है ना? तो इसलिए लड़की हमारे साथ जानी चाहिए। ये तो पूरा एकदम डकैती चल रहा है। अच्छा, तुम लोग इतना आपस में भिड़ रहे हो। नहीं, एक सेकंड, ये बहुत अच्छी सी बात है कि ये तीन मर्द जो हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि दुल्हन जो है वो किसके साथ जाएगी। ठीक है, 21वीं सदी है, शायद भूल गए, है ना? तो एक सेकंड, जरा हम दुल्हन को भी बुला लें, उनसे पूछने की। किशन है ये, अब रीवा किशन है, तुमने क्या तबाही मचाई है, स्वयंवर चल रहा है ये, मतलब ये हद है। एक मिनट, तुम बीच में आओ, ये लड़का देखो, यहाँ आओ, आप बीच में आइए। एक है बाबा भंडारी और एक है पप्पू। पप्पू तुम यहाँ आओ। अब रीवा ये बताओ, खेला क्या चल रहा है? अरे पापा, आपको इतनी जल्दी क्या है, हमेशा आपको जल्दी लगी रहती है। अब क्या बात, इतना रुक गए, थोड़ा और रुक जाते। माइक पास में रखोगी तो पब्लिक आपको सुनेगी। अब क्या कर रही, चिल, ओम शांति। खेला क्या है, ये दोनों में लड़ाई चल रही है, अब बताओ खेल क्या है? शादी किससे करोगी? चूज मी। इतने समय रुक चुके हो, थोड़े और रुक जाओ। 1984, ये देखो चलते फिरते विकिपीडिया है, जरा बताइए बात बन जाएगी। ओके, सो दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म, व्हिच ईयर सर? 84 85 yeah. और अब 2019, मैं जानना चाहता हूं ये प्रोडक्शन नंबर क्या है। आई थिंक दिस इज माय 29th और 30th। वाओ सर, तो इतनी जो फिल्में आपने प्रेजेंट की है, अब आप एक लव स्टोरी, और वैसे भी आई थिंक हिंदी फिल्मों का सबसे फेवरेट ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री फिगर होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आप एक ट्रायंगल आप प्रेजेंट कर रहे हैं विद दिस जेंटलमैन एंड दीज टू फैबुलस डेब्यूटेंट्स। कहां से आई इसकी उपज? ट्रायंगल एंड ऑल दैट, आई थिंक अक्षय एंड द डायरेक्टर विल स्पीक मोर, बट व्हाट आई वांट टू से इज, ये फिल्म में चार जनों का डेब्यू हो रहा है, डायरेक्टर करण कश्यप का, रीवा का और प्रियंका और मेरी बेटी प्राची का। आइए आइए आइए, जो प्रोड्यूसर डेविड डांट है उनको हम बीच में खड़ा करेंगे। प्लीज कैन यू स्क्वाड मेक सम नॉइस फॉर हर। सो प्राची को कुछ समझ नहीं आ रहा, प्राची को ऐसा लग रहा है कि स्कूल की असेंबली में खड़ा कर दी है और अब इसी को कुछ स्पीच देनी है। सो प्राची, ही हैज मेड सो मेनी फिल्म्स, ठीक है, और तुम्हारा ये डेब्यू है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे तुमसे पूछना है, ये जो है ये ऑलरेडी सर के साथ कुछ फिल्में कर चुके हैं, तुम अब पहली बार प्रोड्यूस कर रही हो,
फोन तुमने किया था या पापा से करवाया था? बिग बॉस ने किया, पापा से करवाया था. और जब फाइनली अक्षय सर को पता लगा कि तुम फिल्म की प्रोड्यूसर हो, डिड ही टेक यू सीरियसली? आई एम नॉट श्योर यू गॉट आस्क्ड इन दैट. ओके, बट हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? बिकॉज आई कैन सी दैट यू, आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर. प्राची इज डेफिनेटली आवर प्रोड्यूसर, बट वी हैव मेड दिस फिल्म लाइक अ फैमिली. रवि जी भी प्रोड्यूसर है, पद्मिनी जी भी प्रोड्यूसर है, समीर साहब भी प्रोड्यूसर, सब हम सब ने मिलके एक फैमिली के जैसे हमने बनाई ये पिक्चर. राकेश जी भी, संजय भी, हम सब प्रोड्यूसर हैं. ये सब हमारी फिल्म है और वी हैव कॉल्ड ऑल ऑफ यू हियर टू वेलकम दिस टू ब्यूटीफुल किड्स टू द फिल्म इंडस्ट्री एज एक्टर्स. एंड वी होप एंड प्रे दैट यू विल लाइक देयर वर्क. दे हैव वर्क सो हार्ड एंड दैट दे हैव अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर अहेड ऑफ देम. And God bless both of them. Thank you so much, sir. Thank you so much. Since the mic is with Akshay, sir, आवाज कीजिएगा if you agree. हलचल और हंगामा पसंद थी आपको? Last जो फिल्म आई थी, कितना अरसा हो गया सर? कितना टाइम हो गया उसको? I have done a comedy after a long time. It's been an amazing experience because Karan's writing is so fabulous. Can't wait. So really look. भूल गए थे क्या आप comedy करना? अभी देखना पड़ेगा. भाई ये बेशक इनकी पहली फिल्म है, लेकिन ये फिल्मों के इतना इर्द गिर्द रहे हैं, इट इज अमेजिंग. मणिरत्नम, फरहान अख्तर, एंड आप एसोसिएट प्रोड्यूसर भी थे, एसोसिएट डायरेक्टर थे ऑन शिमित अमीन्स चक दे, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म. सर ये सारी जो फिल्में आपने की हैं, जिन पे काम किया है, उसके बाद ये आपकी पहली फिल्म है. So how did you come up with this story कि ये मेरी पहली फिल्म की स्टोरी बनी? क्योंकि पहली फिल्म तो यार स्पेशल होती है ना, लोग जिंदगी भर याद रखेंगे कि हाँ करण विश्वनाथ कश्यप की वो पहली फिल्म थी सब कुशल मंगल. तो स्पेशल है तभी तो सब लोग यहाँ खड़े हैं. नहीं लेकिन स्टोरी ये तो बाद में ना, कैरेक्टर आपने लिखने के बाद सोचा होगा कि हाँ इनको कास्ट करेंगे, इनको कास्ट करेंगे, तो ये स्टोरी क्यों? क्योंकि ये साफ सुथरी फिल्म है और मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ साफ सुथरी फिल्म में, इसलिए मैंने ये फिल्म चूज किया. जी एक जो अच्छी कहानी होती है उसकी बहुत बड़ी जर्नी होती है. करण की भी इस कहानी के साथ बहुत लंबी जर्नी हुई है. मेरे ख्याल से 3-4 इयर्स इज बीन ईटिंग स्लीपिंग ब्रीदिंग दिस स्क्रिप्ट. मगर जैसे कहते हैं ना कि राइट कास्टिंग, राइट प्रोड्यूसर, राइट सब कुछ मिलना, वो अक्षय ने यह कहानी सुनी थी, उसको समझ में आई थी, बट राइट माहौल नहीं था. मगर राइट माहौल हुआ और मेरे ख्याल से 4 साल से अब ये कहानी पर उससे ज़्यादा. तो हर पिक्चर का एक डेस्टिनी है, एक जर्नी है. सो दिस इज वेरी वेरी कि इसकी डेस्टिनी अभी लिखी हुई थी. क्या बात है, क्या बात है. हाँ जस्ट वन क्वेश्चन टू द बोथ ऑफ यू टुगेदर. ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, और दोनों जो हैं वो फोन पे वीडियो ले रहे हैं, बहुत प्राउड हैं. लेकिन अब यू आर डेब्यूइंग इन 2019, टेल मी ये कब आया था दिमाग में थॉट के दिस इज गोइंग टू बी माय प्रोफेशन, मैंने एक्टिंग करनी है? सो इट वाजंट प्लान्ड. आई मीन इट्स नॉट लाइक आई हैड अ आहा मोमेंट दैट आई एम गोना गो एंड चूज अ फिल्म राइट नाउ एंड गो अहेड. बट फॉर मी बचपन से आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स ड्रामेटिक्स एंड एक्टिंग. सो इट वाज अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसेस एंड देन आई स्टार्टेड हियरिंग स्क्रिप्ट्स एंड देन दिस वाज द वन एंड आई वेंट अहेड. आई वेंट विद माय हार्ट एंड वेंट विद माय गट. बचपन से ही शरारती थे. It has been the same for me. बचपन से ही ड्रामेबाज, नौटंकी और डांसर बहुत. सारे शरारती लोग एक साथ आ गए. डांसर बहुत कमाल की थी. जी? घर पे बड़ा मतलब ड्रामेबाज कौन था? पापा थे या सम यू वर देयर? ओह सुपर. ऑलराइट. तो बस वहीं से चलता रहा. बट थोड़ा बहुत रिस्पांसिबिलिटी जब रियलाइज हुआ कि नहीं अब उम्र हो रही है, पापा एक्टिंग करना चाहिए. पापा ने बोला आपकी चॉइस है बच्चा. तो बस वहां से शुरुआत हुई. Amazing, amazing. और पापा अभी भी वीडियो ले रहे हैं. पापा कुछ तो एक्सप्रेशन दीजिए. Alright, मेरे सवाल हो चुके हैं, अब आएगा मजा. In fact, I've got a surprise, but वो surprise जो है मैं बाद में रिवील करूंगा. So you're ready ना? Oh, great. Alright, so audience, members of the media, आपके क्या सवाल हैं? सर पहला सवाल आ रहा है वहां से. पाजी बोलो. एक सेकेंड, माइक आपकी तरफ आ रहा है. जी भाजी अपना नाम बताएं. जी
दिस इज सिमरन सिंह हियर. कांग्रेचुलेशंस टू द टीम. बहुत ही फनी ट्रेलर है, इंटरेस्टिंग है, और जैसे डायरेक्टर ने कहा कि एक साफ सुथरी फिल्म हमें कॉमेडी में बहुत टाइम समय बाद देखने मिल रही. तो मेरा सवाल अक्षय जी आपसे है, वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग यू नो हंगामा, हलचल और कॉमेडीज विच एकदम साफ सुथरी होती है, वी कैन वी कुड वॉच विद द होल फैमिली, बट कहीं ना कहीं वो ट्रेंड जो है वो कम हो गया. एंड मे बी दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव नॉट चोजन एनी कॉमेडी स्क्रिप्ट. मतलब हमने आपको लास्ट देखा था विद सेक्शन 375, देन डिशूम, उससे पहले जो था कॉमेडी फिल्म बहुत कम थी. सर व्हाट वाज द रीजन? दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई वाज ड्रॉन टू दिस सब्जेक्ट. इट वाज सच अ स्वीट सब्जेक्ट, सच अ स्वीट फिल्म, एंड समथिंग दैट एज यू राइटली सेड, even the comedies that we have today, a lot of them are double meaning, a lot of them are, you know, stuff you can't see with your parents or your kids or whatever. But this is a film, this is a script that is so sweet. You can watch it with your grandmother, your grandfather, you can watch it with anybody. It's a remarkably fresh sweet film. I can only say sweet. It's very sweet. I hope that comes across in the promo also. So Priyank, mera sawal aapse. First of all, congratulations. Thank you so much. So mera sawal aapse ye ki what was matlab kehte hain ki ghar mein ek tarah se school hai aapke. Your mom ji. You got cousins such as Siddhant and Shraddha, and you got uncle Shakti Kapoor also. So tell us about the upbringing. Matlab kehne ke matlab hota na thoda thoda milta raha humko sabse gyan, and it's like ki gyan ka bhandar ho gaya. Is it true? It is, but no pressure. I mean, umeedein to rahengi, par I kept getting little bit tips from here and there. The only thing everyone said collectively was that be natural, be spontaneous, and don't start doing maths, you know. Don't start doing, acha, you have to do this, you have to be like this and all. Just go with the flow and enjoy it. And you have to have fun. If you don't enjoy it, it's not happening. So only if you enjoy it, go ahead, otherwise don't go ahead. सारे सवाल इसी के हैं आज. किसका सवाल है? जी मेरा सवाल. नहीं नहीं, किसके लिए? अच्छा उनका है. सो आपका कैसा रहा मॉल? बिकॉज यू नो योर फादर इज सच अ बिग स्टार, सो हाउ वाज दैट समवेयर ऑन इट वाज लाइक यू सेड कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग करना पसंद था, बट स्टिल हाउ वाज इट? हाउ मच योर डैड हैज हेल्प यू इन योर आर्ट? ही हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी एंड ऑलवेज गाइडेड मी इन द बेस्ट वे पॉसिबल, एंड देयर वाज नो प्रेशर at all from family or my father any which ways. It was always whatever you feel like doing, you have the freedom to do, and that's what has actually pushed me to get here and do what I'm doing right now. So yes, he's been really helpful. My mother has been really helpful, and they've got me up to here in the best way possible. Thank you. Ji sir, naam bataye apna. Hi, this is Ravi from ABP News. मेरा सवाल आप दोनों से, प्रियांक और रिवा, जानना चाहूँगा कि जब फेमस पेरेंट्स होते हैं हमारे और जब किड्स आते हैं इंडस्ट्री में, तो क्या आप लोगों पर वो एडेड प्रेशर है कि कंपैरिजन होगा, लोग बात-बात में कंपैरिजन करेंगे, और कामयाब होने का जो एक प्रेशर होता है वो कितना है आप लोगों पर खुद को प्रूव करने का, क्योंकि आप लोग फिल्म फैमिली से आते हैं इसलिए? सर आई फील मैं वो प्रेशर में काम नहीं कर पाऊँगा. I can't take that pressure at all. I am here to do good work. मेहनत से काम करना चाहता हूँ सर, शिद्दत से काम करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ बस. If I start thinking about the pressure and all that, now I don't think I'll be able to do good work. And I think if I can become even half the actor my mom is, I'm good. What about you? Yeah. मेरे लिए भी मुझे आज तक जैसे मैंने पहले कहा प्रेशर कभी नहीं रहा, एंड मुझे लगता है पापा की एक अलग जर्नी रही है. सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए यह है कि उनका आशीर्वाद है, इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, और वो मेरे लिए काफी. अक्षय जी, ये आपसे एक सवाल आपसे ये है कि पिछले 2-3 फिल्मों में आप कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो इस फिल्म में आप लगता है कि आप रेस विन करने जा रहे हैं? कौन सा रेस? जो स्टारडम है, आप स्लो एंड स्टेडली एक अच्छा बढ़ रहे हैं आगे, पिछले 2-3 फिल्मों से हमने देखा है, राइट फ्रॉम मॉम वगैरह वगैरह सब. व्हाटएवर इज बेस्ट वी कैन डू एज एंटरटेनर्स, एज एक्टर्स, द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, द बेस्ट स्क्रिप्ट्स, द बेस्ट पीपल टू वर्क विद, दैट इज व्हाट यू नो मेक्स एन एक्टर, मेक्स अ करियर, एंड इट इज ऑलवेज बीन माई
focus to try and work with the best people possible on the best scripts. And I think that will always be the way I approach my work. Prachi ji, kuch aap bhi kahein. Aapka debut hai. Sab kushal mangal. I just hope you guys enjoyed the trailer. Nitin Manmohan ji, on your left side, you're Sohail here. So good to see you after such a long time. Like, you know, you've been such a big producer of bahut sari filme aapne banayi. Itna waqt kyun lag gaya iske liye? Aur jaise Akshay ji ne kaha ki all are producers. So how did this, like, you know, log kis tarah se jude is film mein? Like, kahani itni achhi thi, isliye Akshay ne kaha ki I'll also come on board as a producer. Ravi ji hai, jaise ne bataya. Something on that. भाई लंबे अरसे से मैं सो रहा था, गहरी नींद में था, बहुत गहरी नींद में था, और मेरी बेटी ने उठा दिया मुझे. बेटी ने कहा अभी बहुत सो लिए, कुंभकर्ण के टक्कर ले लोगे अभी, आप जागिए, और आपके लिए नहीं तो मेरे लिए अभी शुरू कीजिए. नाउ आई होप शी टेक्स दिस बैनर फॉरवर्ड एंड I'm very proud of her. She's done a wonderful job in this film. And very proud of my director and my debutants. Everybody. Bahut badhiya kaam kiya sab log. My question is to Prachi also. Ek second. Kahan se aa raha aapka sawal? Acha, aap hi ka hai? Nitin ji, pehle aapki, I think so it was under production of Mad Films or Neha Mad. So, you know, wo continuity aapne nahi rakha. What was the reason? Like, see, Neha Mad ka ant ho gaya when Mukul died. So we were doing films together after Mukul's death. At that time I was making that film called Das. Yeah. With Akshay's father, Vinod ji, Salman and Sanjay. Yeah. But during half the schedule, Mukul died and we had to shelve that film. And then I made another Das with Sanjay, Abhishek and all that. But after that Neha Mad films was shut down and I branched on my own. ओके सर, एक और सवाल है, आज माइक दे ही देता हूं मैं आपको, घर ले जाइए. एक और सवाल पूछ लीजिए. माय क्वेश्चन इज टू प्रियांक एंड जैसे आपको पता चला कि ये एक शुभ मंगल सब शुभ मंगल फिल्म है, सब कुशल मंगल, सॉरी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सर सामने लिखा हुआ है. मतलब एक सेकंड करण सर, एक सेकंड, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज 16 टाइम्स न्यू रोमन. ठीक है, कॉमेडी करना कहते इट्स अ डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली. ना तो पहली फिल्म थी कॉमेडी, आपने भी फिल्म कर ली है, तो मानते हो कि कॉमेडी करना लिटिल डिफिकल्ट है एक्चुअली, रादर देन डूइंग एक फुली रोमांटिक फिल्म? आई डोंट थिंक सो सर, आई थिंक एवरीथिंग हैज इट्स ओन स्पेस एंड इट इज टफ. आई मीन यू जस्ट हैव टू गिव योर 100% एंड गो अहेड. बट इन दिस आई फेल्ट because of sir, you know, getting the timing right, getting the character right, that's what actually helped me to achieve what I have. So I think yes, but it's not like only comedy is tough or something like that. Situational comedy hai. Yes, exactly, ye situational comedy hai. To bahut sare spaces hain, hame bahut sare emotions aapko dekhenge is picture mein, na hi sirf comedy. Jaise sahi baat, yeah, that's true actually. It's not only comedy, there's romance. Oh, yes, there is, there's romance, comedy, there, yeah, is fun, yeah. you will enjoy it. And there are two actors who have contributed so much to this film who I'd like to call on stage, Mr. Satish Kaushik and Mr. Rakesh Bedi. And the two people who are responsible in creating one of the really nice albums of 2019, Mr. Sameer Anjan and Harshit, please. Woo! Mike, kiske paas hai? Hello, hi, hi. Can you please put your hand up? Oh, there at the corner. Okay. Hi, Priyank. पूरी टीम को कांग्रेचुलेशन, काफी इंटरटेनिंग ट्रेलर नजर आ रहा है. या या
सो प्रियंका, अगर बात की जाए तो आपने काफ़ी प्रिपरेशन की हुई है अपने एक्टिंग क्लासेस, और राजकुमार संतोषी सर को आपने असिस्ट भी किया हुआ है, तो क्या कुछ हमें बताएं कि क्या कुछ प्रिपरेशन रही आपकी, कैसी तैयारियां की हैं आपने इंडस्ट्री में हाथ जमाने के लिए? सो सर, आई हैव डन अ कपल ऑफ वर्कशॉप्स असिस्टेड राजकुमार संतोषी सर एज वेल फॉर 2 years ऑन स्क्रिप्टिंग एज वेल एज एक्टिंग, आई मीन एज एन एडी. एंड बट व्हेन आई केम हियर एवरीथिंग चेंज्ड. इट वॉज हिज मेन थिंग वॉज कुछ भी फिक्स मत करो. इट वॉज लाइक दैट, यू नो, लाइक वट एवर वर्कशॉप्स वी डिड, वट एवर वी आर डूइंग, इट वॉज ऑल चेंजिंग. सो इट वॉज मोर स्पॉन्टेनियस, इट वॉज इम्प्रोवाइजेशन, एंड इट वॉज बेसिकली वट ही सेड इज क्रिएटिंग मैजिक ऑन सेट, विच यू नो वी आर एक्चुअली, दैट वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. सो वट एवर आई लर्न एंड वट एवर आई डिड वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन वन आई केम टू हिम, विच आई एक्चुअली लव्ड. अक्षय सर, Yes, ma'am. We'll get the mic. Wait. Mic, can we just pass? Wait. Akshay sir. Yeah. So, jab aap aate hain, kuch khas karke jaate hain, aap screens par hamesha yaad rehte hain. Newcomers, char actor, aapki cast mein char logo ka debut hai. Toh debutant ke saath kaam karke, kya kuch alag mahol hota hai set ka? Alag toh nahin hota hai, lekin it's always interesting to see, to work with new actors, because you don't know what to expect from them. If I work with, to a certain extent, if Satish works with me or I work with Satish, we've done many films together, we know thoda bahut ki ek dusre se kya expect karna chahiye. But with newcomers, you never know what to expect. So it's always got that little thrill, which I enjoy. Even with a debutant director also. अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे. जिस सर आपने हाल ही में फिल्म की थी 375 आर्टिकल, और काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था, आपने काफ़ी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिस तरह आज देश में हालात हैं, कोई विमन खुद को सेफ फील नहीं कर रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस हालात को देखकर, जिस तरह रेप के मुद्दे दिन ब दिन बाहर नजर आ रहे हैं? नहीं, आज का टॉपिक सब कुशल मंगल ही है. Thank you, bro. Ma'am, you had a question. We're getting the mic. Vura, piche. Hi, good afternoon. Congratulations to you, Priyank. Thank you so much. Thank you. All of you. A question to Reva and to Priyank. Did you take the script home and rehearse with your respective parents? Ma'am, best question. Secret. Best question of the afternoon. So, I don't know if I'll call it rehearsal, but whenever mom was having tea or whenever she was wherever, I was just coming and saying my dialogues and going ahead and then taking a turn and coming back like that. So it was like, huh, good, no, okay, very good, go ahead. It was like that. So whenever she was there, I was just making sure that she's hearing me or she knows exactly what I'm up to. So yeah, I would call it a kind of a rehearsal. Yes, I did rehearse too, and that was more of because it was all new for me and I did not know what did my father expect out of me being a daughter and coming out like that on the screen. So, but still, it was more of help and. अच्छा, रीवा ने मेरे साथ कभी रिहर्सल नहीं किया. रीवा ने कभी, I'll tell you honestly, मैं पूछता था रीवा क्या हो रहा है, because I was very very excited and same time I was very scared. ये नसीर सर के यहाँ पे थोड़ा इन्होंने थिएटर किया वट एवर, फिर कुछ अमेरिका में यूएस में जाके भी सीख के आई, जो भी फिर मैं पूछता था क्या करोगी रीवा, तुम डायलॉग तो बोलो यार, तुम करने क्या वाली हो, तुम बताओ तो सही यार. शीशु से कर लूँगी पापा, बिकॉज ये करण है ना, ये मैंने रावण फिल्म की थी इसके साथ, ये बहुत ही अलग ही आइटम है. ये बोलता था, इसने बोला था अपने पापा माँ से कुछ सीखना नहीं है, तुम लोग वो कुछ पढ़ना ही नहीं. तो मैं पूरा, अगर इसमें प्रियांक की, करण की, सबकी तारीफ, इसका पूरा श्रेय करण को जाता है. मैंने एक इंच भी नहीं सिखाया. आई हैव नॉट ट्रेन्ड हर, नीदर शी आस्क्ड मी एनीथिंग, ना मॉड्यूलेशन, ना वॉइस, ना कुछ नहीं पूछा इसने. ये पूरा श्रेय करण को जाता है. इट्स ऑल रीवा, इट्स यू प्रियांक एंड ये मेन, ये चश्मे वाला. ये हर्षित है मेरे साथ, बॉडी देखो इसकी. पद्मिनी मैम, अपना फोन नीचे रखें तो ना. एक्चुअली इट्स अ फैक्ट
all Priyank made me do really was to hold on to his camera to take his video. That's it. Aur agar main kuch kehti bhi thi ki Priyank nahi, mujhe lagta mom please please Karan sir ne ye kaha hai, so don't even try and change it. I said okay done. So yes, like he said ki pura shreya Karan ji ko jata hai. Absolutely, absolutely. And whatever the outcome is totally Reeva, Priyank. It's their contribution, their dedication, their efforts. Because Nitin ji is here, wo kahenge ki actually wo poochte bhi the ki pehla din sirf Padmini aayi aur phir dikhi nahi. And that's what it was, right, Nitin? Thank you, Akshay. Thank you very much. So my name is Harsh Doshi, and sir, Karan sir, my question is to you. The first thing, the promo was amazing. We really loved it. And what was your biggest challenge as a debut director for this film? Yeah, frankly, कहूँ मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ. क्योंकि as an associate, अगर पता होगा तो बहुत ज़्यादा आप काम करते हो. मतलब director के सारे काम को associate director ही संभालता है. और मुझे फिर team भी बहुत अच्छी मिली. तो उसका ये रिजल्ट सामने दिख रहा है. और मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मैं सेट पे ज़्यादा बोलता हूँ. मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ बोलने में, तो आप समझ सकते हैं. सर से कभी इंस्ट्रक्शंस लेना. सर से मैंने इंस्ट्रक्शंस लिए ना पिछले दो दिन में. मोर क्वेश्चंस, वन मोर क्वेश्चन, एनीवन? हाय, ये रवि. हेलो जी, सर बाप बोल दिया. एनीवे, हेलो हेलो, दिस पिक्चर इज स्पेशल. स्पेशल बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि इतने सालों से काम करने के बाद नई जनरेशन आती है, नए लोग आते हैं, और स्पेशली जब आपके अपने आते हैं, यू नो, वो चाहे रवि की बेटी हो, जो रवि मेरे साथ काम कर चुका है, रवि जो जिसकी जर्नी मैंने देखी है, आज जो तरक्की की है, या पद्मिनी जी, टूटू शर्मा जी, यू नो, या नितिन मनमोहन, इन तीनों के बच्चे जो हैं पहली बार आ रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती थी कि सेट के ऊपर जब ये हों तो हम इनको एक्चुअली वो माँ बाप और दोस्त का दर्जा दे पाएँ सामने से. कि एक अपनी अपने तरीके से एक ऐसी, मतलब उनको सपोर्ट दे ताकि उनका टैलेंट और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो और बेटर हो. मैं एक्चुअली सडनली आई एम मिसिंग, सब हैं पर प्रियांक का फादर टूटू शर्मा किधर है? टूटू शर्मा नहीं दिखाई दे रहा. टूटू शर्मा जी किधर है भैया? पीछे सर, सामने आई है. सबसे आगे, प्लीज 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 प्लीज, सबसे आगे आपको होना चाहिए यार, ऐसे क्यों होना. इनफैक्ट सिंस हम परिवार की बात कर रहे हैं, सो मैं ये इसलिए, शायद मेरे को लगता है टूटू थोड़ा सा गुड लक के लिए पीछे बैठा हुआ है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए. कि एक फादर जो उसके दिल में उथल पुथल मच रही होगी, जो उसके दिल में जो एक्साइटमेंट होगा, जो उसके उनके लिए प्यार होगा, वो एक्चुअली पीछे से ज्यादा देख करके उनको वाइट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. हम देना राकेश जी, पर मैं ये कहूँगा कि जब मुझे बुलाया नितिन जी ने, और मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि पहले भी काम किया है इनके साथ, और मुझे पता है बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और मुझे ये बोल के बुलाया कि मैं कॉमेडी बना रहा हूँ तो तुम आओ मिलो. लेकिन जब मिला तो मिलने के बाद जब मीटिंग से बाहर निकलता, मैं डिप्रेस हो गया. डिप्रेस इसलिए हो गया क्योंकि मुझे मीटिंग में ये बताया गया कि मैं बना रहा हूँ कॉमेडी, लेकिन तुम्हारे पास एक भी कॉमेडी सीन नहीं है, यू नो. तो मैंने सुना और मुझे लगा कि ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मैं इसमें लिटरली, मतलब कि बिल्कुल ह्यूमर नहीं है. और जैसे सतीश जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा लगा कि अपने ही बच्चे काम कर रहे हैं. बिकॉज आई वर्क विद रवि, आई वर्क विद पद्मिनी मैनी ईयर्स, यू नो, बहुत साल से हमारे दोस्त हैं अच्छी. और टूटू जी इज अ ग्रेट फ्रेंड, आई वर्क विद हिम इन हिज फिल्म्स आल्सो. तो और एक बार मैं याद है कि एक बड़ा ही हैवी इमोशनल सीन मेरा इसके साथ था, तो ये जेन्युइनली रो रही थी उस सीन में, और मुझे भी वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए. सीन ही ऐसा था. तो मैंने कहा चल मैं तेरे बाप की जगह हूँ, अपने बाप को फ़ोन लगा. तो वहीं से रवि को फ़ोन किया इसने, और मैंने कहा देख मुझे, मैं आई एम फीलिंग सो इमोशनल दैट आई एम फीलिंग कि मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं तुम्हारा ही एक तरह से सीन कर रहा हूँ, यू नो, एज यू वुड बिहेव मे बी, यू नो, विद योर ओन डॉटर. तो बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, तो एक चैलेंज भी था लेकिन बहुत मज़ा आया. इट वॉज अ लवली फिल्म एंड अ ग्रेट स्क्रिप्ट.
and a very good team, and she's a promising producer and a great director also, Karan. Sameer ji, gana number kaun sa hai ye? Ab number 1 hai, number 2, number 3 kya hoga ye to pata nahi, waqt batayega, magar नितिन के साथ एक ज़माना हो गया काम करते हुए, मेरे ख्याल से नितिन की मैक्सिमम फिल्मों के गाने मैंने लिखे हैं। लोग अक्सर मिलते हैं, अभी भी लोग पूछते रहते हैं कि सर अब वो म्यूज़िक का दौर आएगा कि नहीं, ये हमेशा ये सवाल उठता है। ये बैड लक रहा है कि अभी इन दिनों जो भी फिल्में की हैं उनमें पूरी तरह से कभी मौका मिला नहीं कि पूरी फिल्म लिखने के लिए मिले या हम जो लिखना चाहते हैं वैसा मिले। मगर लकली ये फिल्म जब आई तो मुझे एक बात की तो पूरी उम्मीद थी कि ये फिल्म पूरी लिखने के लिए मिलेगी। और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि जो लोग मिस करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नया पुराना कुछ नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है, जो अच्छा है वो नए दौर में भी चलता है, जो बुरा है वो पुराने दौर में भी बुरा होता है। हमने कोशिश की है अच्छा काम करने की, और कोशिश ये की है कि उसको नए रंग में कैसे पेश किया जाए, कैसे दिया जाए। उसके लिए हर्षित को हमने पकड़ा, और हर्षित में बहुत टैलेंट है, हर्षित बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मकाम रहा है जो मुझसे छूटा है, मगर ये चैलेंज हमेशा रहा कि जब जब कुछ नया कहने के लिए मिला मुझे तो मैंने कोशिश की है, और इस फिल्म में भी मैंने वही कहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। ख़ासतौर से कॉमेडी फिल्म में म्यूजिक का स्कोप बहुत कम होता है, मगर लकली करण की स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत थी कि जब मैंने सुनी तभी मुझे लगी कि यार इसमें एक बार फिर बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। एंड क्रेडिट गोज टू नितिन, प्राची, एवरीवन, एंड ये दो नए चेहरे जिनके बारे में अभी इतनी देर से बात हो रही है। मैंने रवि को याद भी होगा शायद, या नहीं भी हो, एक दौर वो भी था कि नितिन मनमोहन से मिलाने के लिए रवि ने मुझसे कहा था कि सर एक बार आप नितिन मनमोहन से मुझे मिला दीजिए। अब ये दौर है कि वो तो मिल चुके, उनकी बेटी नितिन मनमोहन के साथ काम कर रही है आरवी फिल्म। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत एक बड़ा पारिवारिक माहौल रहा है, और मुझे यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कहीं बाहर की फिल्म कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। जैसा अक्षय ने कहा कि ये हम सब मिल के फिल्म बनाए हैं, और हमेशा मैंने देखा है कि जब ऐसे एटमॉस्फेयर में फिल्म बनती है तभी अच्छी बनती है। अक्षय के बारे में, सतीश के बारे में, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब के बारे में यही कहूँगा कि दे आल आर ग्रेट। और अक्षय का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनको मैंने कई बार बताया भी नहीं है, मगर ही द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड माय फेवरेट एक्टर। थैंक यू वेरी मच। इतनी बड़ी फैमिली है, सो इस फैमिली को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। सो ये जो दो प्राउड पेरेंट्स हैं, रवि किशन जी, पद्मिनी जी, प्लीज़ इफ़ यू कुड, मैम अब तो आपको वीडियो बंद करना पड़ेगा, सो If I can invite you on stage along with Tutu ji, aiye na, ab to aiye. And Swati Samwal also, please join us on stage. Prachi's mom, of course. Kaha hai Prachi's mom? Bulaye? Prachi kuch bol hi nahi rahi hai na? Prachi ki awaaz hi nahi nikli aaj pure din. Nepotism as at its best. Jaya ma'am. I'm very very proud. हम कुछ सोच के आए थे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत कमाल के सवाल आए थे। और मैम आपके लिए गिफ्ट है मेरे पास, आपने जो सवाल पूछा था। वेट, हाँ जी हाँ, कैन वी ब्रिंग दैट गिफ्ट? जी हाँ। मैम मैं चाहूंगा कि आप जरा प्लीज आए, क्योंकि अक्षय सर और ये पूरा जो कास्ट है, हम सोच के कुछ और आए थे लेकिन ये बहुत कमाल का सर, ये इफ समबडी कुड डू दी ऑनर्स। हाँ मैम, नितिन जी, यू आर द प्रोड्यूसर, मैम आइए ना। Okay, ladies and gentlemen, for the best question. Woo! Beautiful question, ma'am. आपको पता है ना वो मनी प्लांट में क्या सोच के लेके आया था? All right. Now, आप फोटोज जो लेना चाहते हैं प्लीज।
एक सेकेंड प्लीज प्राची, यू द प्रोड्यूसर डूड, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव टू बी ऑन स्टेज. अब आप लोग बोलेंगे ओनली द कास्ट है ना, वही मेन कास्ट. Now, for the next picture, if I can invite the producer, hello, Prachi, Nitin Manmohan, and the director, Karan Vishwanath Kashyap. Sir, kahan gayab ho gaye aap? Sir, peeche jaake baith gaye hain, doston ke beech. Proper shaadi ka ghar hai, yaar ye. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.